जयपुर थाना पनागर के अंतर्गत ग्राम बरोदा में एक महिला पटवारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पनागर थाना अंतर्गत ग्राम बरोदा के कोटवार द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्राम बरोदा कथित तौर पर सरकारी जमीन पर पटेल द्वारा कब्जा कर बोर कराया जा रहा था, जिसकी जांच के लिए महिला पटवारी विनीता नेमा स्थल पर पहुंची, जहां पटवारी नेमा के मना करने पर पटेल ने धक्का दिया और मारपीट पर पहुंच गया और महिला पटवारी के कपड़े भी फाड़ दिए। महिला पटवारी थाना पनागर पहुंची, पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने इस मामले पर FIR दर्ज करते हुए जांच की कार्रवाई की बात कही है। मैडम को सूचना मिली कि बोर हो रहा है, हमको भेजी मैडम की देख के आओ, मना करके आओ उनको, और मैडम आई जैसे जांच करने के लिए, गाड़ी खड़ी की, झीका झपटी करने लगे, रड लेके थोड़े मारने के लिए। कौन दौड़ा लागोस पटेल ने, बोरिंग हो रही ना, उसकी जांच करने के लिए जा रहे हैं सरकारी जमीन में। सरकारी जमीन अच्छा, पनागर के ग्राम बरोदा में पदस्थ पटवारी वनीता नेमा हूँ। मेरे को फोन से सूचना मिली ग्रामवासियों के द्वारा कि लवकुश पटेल वहां पर सरकारी जमीन में कब्जा किए हुए है और वहां पे बोर खुदवा रहा है। तो मेरे द्वारा फोन पे मना करने पे मना किया गया, पर वो मान नहीं रहा था। तो मैंने कहा हम आ रहे हैं, हम जैसे ही पहुंचे हम गाड़ी से उतर भी नहीं पाए और उसने हमको हाथ खींचते हुए हमारे कपड़े फाड़ दिए, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और कपड़े फाड़ के घसीटते हुए हमको आगे धक्का दिया, छाती में धक्का दिया, पीछे धक्का दिया, हमारी पीठ में धक्का दिया, और राड लेके हमारे सिर पे मारने वाला था तो बचा लिया लोगों ने हमको, और फिर हमारे कोटवार से कोटवार को भी राड मारने दौड़ रहा था। आज बनीता नेमा जो पटवारी है अपने बनागर क्षेत्र में बरोदा हल्के की, उन्होंने थाने आकर के एक लिखित शिकायत की कि उन्हें शासकीय जमीन पर बोर करने की सूचना मिली थी। वो मौके पे गई थी जहाँ पे लवकुश पटेल बरोदा का ही निवासी है, उनके साथ में गाली गलौज किया और मारपीट किया। ऐसी शिकायत मिलने पर हमारे द्वारा उसके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना में लिया गया। लवकुश पटेल का ही उन्होंने नाम बताया।